का नुक्कड़ नाटक मोबाइल एडिक्शन पे करते हैं। मोबाइल एडिक्शन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। भैया इतनी भीड़ क्यों लग रही है? अरे आज यहाँ पर नाटक होने वाला है। अच्छा, किस विषय पर? मोबाइल एडिक्शन पर। तो चलो देखते हैं। हेलो, फेसबुक का कमाल देखो, फॉलोवर्स का धमाल देखो, ट्विटर पर अपडेट देखो, कमेंट्स की लिस्ट देखो, इंस्टा की कयामत देखो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो, व्हाट्सएप पर स्टेटस देखो, सोशल मीडिया का भूचाल देखो। पहले फ्रेंड्स के पर अब फ्रेंड्स लिस्ट है। ट्रेन, अरे यार जैसे तैसे पर
पढ़ने बैठी इस मोबाइल की टिल ने तो मेरे दिमाग की बत्ती बुझा दी। तो देखो आप लोगों ने, पूरा परिवार साथ होकर भी साथ नहीं है, लोगों के पास अपने घर वालों के लिए समय नहीं है, समय है तो मोबाइल पर लाइक और शेयर करने का। तो आइए देखते हैं मोबाइल एडिक्शन का एक और नया पहलू। दूसरा दृश्य, दोस्त हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे बंधु, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मैं तो कहता हूँ तुम भी वीडियो बना लो। अरे कोई एम्बुलेंस को तो फोन करो। अरे ये पुलिस केस है, हमें इसमें नहीं पड़ना, हमें तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करना। नहीं कर रही थी। हेलो एम्बुलेंस, शाहपुर रोड हाईवे पे एक खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से आ जाओ। बाला छोटी लाली बैठ जा नीचे। तो देखो आप लोगों ने, आजकल के युवाओं को लाइक करना है, शेयर करना है, चैट करना है, लेकिन मोबाइल का सही इस्तेमाल क्यों नहीं करना है? तो देखा आप लोगों ने कितना बदल गया है इंसान। ये तो है बात, ये अपेक्षा है किसी की जान चली जाए, हमें क्या सिर्फ लाइक सब्सक्राइब चाहिए, भले ही किसी की मौत का तमाशा बन जाए। क्या यही है इंसानियत? तीसरा दृश्य, 1970 के बच्चे। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? ये लो चॉकलेट खा लो। 2033 के किड्स, ये लो खाना खा लो। बहुत देर हो गई, लाओ फोन ही कर दो। मुझे फोन चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये लो फोन लो, लेकिन खाना खा लो। चौथा दृश्य, 1970 की दोस्त। बढ़िया हाल है। चाय पिया दो ना। ए, पी ले ना। छोटी लाली लाली तेरे हाय ब्रो, कैसी है? हाय ब्रो, बहुत खराब। ये ब्रो चलना, एक वीडियो बना। यार ऐसे बोल ना, मैं बिजी हूँ। ब्रो मेरी एक वीडियो बना ना। हाँ ठीक है। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यार मुझे टैग कर दियो। तो रे
ये था 1970 का जमाना जब सारे बच्चे एक साथ मिलजुल कर खेलते हैं और इनके बीच प्रेम भाव भी है। अगर हम बात करते हैं 2023 के बच्चों की तो एक साथ होकर भी साथ नहीं है। किस कारण? इस मोबाइल के कारण। क्या हमारी जिंदगी में मोबाइल की इतनी अहमियत है? और अगर है भी तो क्यों? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजन नारायण नारायण हरि हरि नारायण नारायण। बोलो वत्स, आज क्या हाल है पृथ्वी के? हे प्रभु, फिर से वही मोबाइल की समस्या। पहले तो लोग सुबह उठकर कहते थे कर आगे बसते लक्ष्मी, लेकिन अब तो ये दुष्ट मोबाइल के पीछे लगे रहते हैं। घोर कलयुग, घोर कलयुग। पहले तो प्रभु खाते समय भी आपको याद करते थे, अब खाते समय भी मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते। अब क्या करूं मैं इन मनुष्यों का? पहले तो लोग सोते समय भी प्रभु आपका चिंतन किया करते थे, अब सोते समय भी इस चिंता में डूबे रहते हैं कि सोशल मीडिया पर कितने लाइक और शेयर आए हैं। अब मुझे लगता है मुझे अपना कल्की रूप धारण करना ही पड़ेगा। हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आप लोगों को सब देखा हुआ नहीं लग रहा है? जी हाँ, ये कहीं ना मेन शक्ति कहानी है। मोबाइल है मोबाइल, ये तूने क्या कर दिया? मोबाइल है मोबाइल, ये तूने क्या कर दिया? इंसान से इंसान को जुदा कर दिया। जब मोबाइल टूटे तो इंसान पास थे, मोबाइल होने के कारण इंसान इंसान के पास न रहा। सुबह सुबह उठकर सारी दुनिया को गुड मॉर्निंग विश करेंगे, लेकिन आपके अपने माँ बाप जो आपके पास है, कभी उन्हें विश किया? रिश्तों से ज्यादा वक्त हम अपने मोबाइल को देते हैं, भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो हमें उनके साथ रहने में मिलती है। क्या सच में मोबाइल की हमारी जिंदगी में इतनी अहमियत है या हम उसे इतनी अहमियत दे रहे हैं? हम सब बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि मोबाइल का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। फोन जब तक वायर से बंधा था इंसान आजाद था, जब से फोन आजाद हुआ है इंसान बंध रहे हैं। धूप को हटाकर देखो, घटाओं को घटाकर देखो, धूप को हटाकर देखो, घटाओं को घटाकर देखो, असली जिंदगी क्या है इस मोबाइल को हटाकर देखो। तो यही खत्म होता है सफर हमारा और फैसला आपका। धन्यवाद।